हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने वीवो के फ़ोन में जो डिस्प्ले साइज़ होता है, उस डिस्प्ले साइज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वह डिस्प्ले साइज़ को चेंज करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और तो गाइस, हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो हमारी वीवो का मोबाइल की सेटिंग्स होती है उसको हमें ओपन करना है। मोबाइल सेटिंग्स को ओपन करने का कुछ ऐसा इंटरफेस हम कभी शो होता होगा। तो गाइस सिंपली हमको जो मोबाइल की जो डिस्प्ले ऑप्शन है सेटिंग्स में, डिस्प्ले ऑप्शन पर हम ओपन कर लेंगे। डिस्प्ले ऑप्शन को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको शो होता होगा फोन एंड डिस्प्ले साइज। तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो डिस्प्ले साइज है यहाँ पर आपको शो होगा। तो गाइस सिंपली इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, जैसे हम क्लिक करते हैं लार्जेस्ट हो जाएगा। लार्जेस्ट करने का जो हमारे फोन साइज है वह सिंपली जो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। इसको हम जैसे स्मॉल करेंगे तो जो हमारा डिस्प्ले साइज है वह छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से जो फोन डिस्प्ले साइज उसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से चेंज हो चुका है। और कैसे ये जैसे आप सिलेक्ट करने का जो नॉर्मल करना हो, तो नॉर्मल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट साइज पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने जो हमारा डिस्प्ले और फोन साइज है नॉर्मल हो जाएगा, दोबारा जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने डिस्प्ले साइज़ को चेंज कर सकते हैं अपने वीवो के फ़ोन में। तो गाइस आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू।